कमाई हम करेंगे अमेजोन से, इन्वेस्टमेंट आपका होगा सिर्फ जीरो और अर्निंग हमारी होगी डॉलर के अंदर। आप सोच रहे होंगे कि अमेजोन में कमाई तो रुपीस के अंदर होती है। अरे भाई, अमेजोन इंडिया के बाहर भी तो है, US, UK, कनाडा सब जगह है, इसी का तो फायदा उठाना है। अब हमें ज्यादा कमाई करने के लिए इंडिया से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इंडिया में बैठे बैठे लैपटॉप के थ्रू आप डॉलर्स का अर्निंग कर सकते हैं, वो भी अमेजोन के थ्रू। ट्रस्टेड कंपनी तो है ही सही, आपको बेचना है सामान लेकिन इन्वेस्टमेंट होगा जीरो। दिमाग का यूज करना है, थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखानी है और माल को बेच देना है। नहीं, अफिलिएट मार्केटिंग नहीं बोल रहा मैं, ना ही मैं आपको ड्रॉप शिपिंग बोल रहा हूँ, ये सब कुछ तो बात ही कुछ अलग है। मैं बात कर रहा हूँ अमेजोन KDP की, अमेजोन किंडल पब्लिशर। क्या सोच रहे हो, कोई नाम सुना सुना सा है ना, बस हम उससे की बात कर रहे हैं। इसके अंदर आती है बुक्स, लेकिन बुक्स काफी तरह की आती है, जैसे कि फिजिकल बुक्स होगी या फिर डिजिटल बुक्स होगी। डिजिटल बुक्स वो होती है जिसे कि आप आपके मोबाइल के अंदर, पीसी के अंदर, अमेजोन किंडल के अंदर, आपके मैक के अंदर यूज में लेते हो, और फिजिकल इस तरह की बुक, और हमें ऐसे ही बुक को सेल करना है। नहीं समझ में आया, समझाऊंगा। बच्चों की ड्रॉइंग बुक आती है, डेली प्लानर आता है, नोटबुक्स वगैरह आती है, मैथ्स की बुक आती है, पेंटिंग की बुक्स आती है, ये जो सभी तरह की बुक्स आती है ना, वो सभी हमें सेल करनी है। अब इससे हम डिजिटली और फिजिकली दोनों ही सेल करेंगे। और आप सोच रहे हो कि बुक सेल करनी है तो इन्वेस्टमेंट तो लगेगा ना, लेकिन नहीं लगने वाला है। हम जाते हैं अमेजोन के ऊपर, यहाँ पे मैंने सर्च किया है डेली प्लानर बुक। आपका पे काफी सारी बुक दिख रही है, इन बुक्स की प्राइस क्या है, $10, $10, $17, $15 दिख रही है ना, कुछ कुछ तो $29 की भी है। इससे आप इंडियन रुपीस के अंदर कन्वर्ट करो, सिर्फ $10 की बात करें तो भी ₹800 हो जाते हैं, और यहाँ पे तो $29 भी है, यहाँ पे $20 भी है, मतलब कि एक बुक आपको 1500 में बेचती है। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन आपसे लेगा 30% का कमीशन, चलो खींच खींच के 35% का कमीशन। आपके पास कितने बचे खुद काउंट कर लो, एक बुक सेल करने का बोल रहा हूँ मैं, घर बैठे लैपटॉप से अर्निंग डॉलर के अंदर, इससे अच्छा हो गया चाहिए। और इसके अलावा किड्स ड्रॉइंग बुक, इस तरह की जो बुक देख रहे हो ना आप, ये ड्रॉ कर रहा है जिस तरह से बंदा, बस ऐसी बुक आपको बनानी है और इससे आपको अर्निंग करनी है। अब आप सोच रहे हो कि अरे बुक हम बेचेंगे कैसे, अमेजोन का सिस्टम क्या है वो सुन लीजिए। अमेजोन KDP के अंदर आपको बुक्स को ड्रॉ करना है, उसका कवर पेज क्रिएट करना है, पेजेस को बनाना है, उसके बाद वो PDF फाइल जो है उसे आपको KDP के ऊपर अपलोड कर देना है, उसके बाद जो फिजिकल बुक्स होती है उसे प्रिंट करना, उसे डिलीवर करना, कस्टमर तक पहुंचाना, पैसे लेना, सब कुछ काम अमेजोन करता है। आपको सिर्फ क्या करना है, बुक को क्रिएट करना है, कवर पेज क्रिएट करना है, अंदर का कंटेंट बनाना है और बस अपलोड कर देना है। इतना काम तो हर कोई कर सकता है आज के टाइम पे, आजकल तो 15 साल के बच्चे भी कर लेते हैं मोबाइल से या फिर लैपटॉप से। बस इसी तरह की बुक आपको क्रिएट करनी है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं जहाँ से कि आपको इस पे भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और ये काम भी आपका फ्री में हो जाएगा। प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, kdp.amazon.com, लिंक आपको दिख रही है ना, इस लिंक को आप काम में ले सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पे आना है और साइनअप के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। साइनअप के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सारी डिटेल्स जो है फिल करनी है, इंक्लूडिंग आपका बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, सब कुछ डालना पड़ेगा। पैसे भी तो चाहिए ना अकाउंट के अंदर, इसलिए वो सब तो डालना ही पड़ेगा। यहाँ पे आ रहा है नीचे क्रिएट योर KDP अकाउंट, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालना है, ईमेल आईडी पासवर्ड डालना है और क्रिएट योर KDP अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। पजल दिख रहा है, इसे सॉल्व कर देना है। अब आया होगा मेल आईडी के ऊपर पासवर्ड, वो आपको डाल देना है, जिससे कि मैंने कहा था मोबाइल नंबर यहाँ पे कंपलसरी होगा, ऐड करते हैं अपना मोबाइल नंबर। तो कुछ इस तरीके से आपको आपका अकाउंट क्रिएट करना है। फिर यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, बुक शेल्फ, रिपोर्ट, कम्युनिटी, मार्केटिंग, ऊपर दिख रहा है योर अकाउंट, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन दिख रही है, जैसे कि इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशन, आपको यहाँ पे आपका सेलेक्ट करना है इंडिविजुअल, और उसके अंदर आपको आपकी सारी डिटेल सबमिट करनी है, जैसे कि आपका बर्थडे डेट, एड्रेस वगैरह, हर एक चीज आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप कॉर्पोरेशन में जाते हो तो आपको अपनी कंपनी की डिटेल सबमिट करनी है, और मेरे हिसाब से आप सभी लोग यहाँ पे बिगिनर्स हो, तो इसलिए आप कोई भी कॉर्पोरेशन सेलेक्ट मत करना। उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी टैक्स इन्फॉर्मेशन जो दिख रही है वो भी सबमिट करनी पड़ेगी, जैसे कि आपका पैन कार्ड नंबर, और अगर आप कॉर्पोरेशन सेलेक्ट करते हैं तो GST नंबर और कंपनी का पैन कार्ड नंबर आपको डालना पड़ेगा। माय प्रोफाइल में आपको और भी सारी डिटेल दिख जाएंगी, जैसे आपके बैंक अकाउंट और पैन कार्ड सबमिट करते हो, आपको यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे कम्प्लीटली ग्रीन के अंदर एक मैसेज आ जाएगा, यहाँ पे मेरा जो अकाउंट है सेटअप हो चुका है, ये मेरा बैंक अकाउंट है। और उसके बाद आपका जो पेमेंट है वो कहाँ कहाँ से होते हुए आएगा वो सब भी आपको यहाँ दिख जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे सभी कंट्री को सेलेक्ट कर लिया है, इसकी मैंने यहाँ पे इनके सभी डोमेन को सेलेक्ट कर लिया है, जैसे कि इंडिया का होता है amazon.in, वैसे UK का होगा amazon.co.uk, ऑस्ट्रेलिया का होगा amazon.com.au, इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे हैं, आपको सभी को सेलेक्ट कर लेना है, मतलब कि आपकी जो बुक है वो कहीं भी शो हो आपको सेलिंग मिलेगी और वहां से आपके अर्निंग होगी। काम सिर्फ लैपटॉप से तो करना है ना। सबसे लास्ट में यहाँ पे टैक्स इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ेगी ऊपर जाके, जैसे कि मैं आपको बताया, और यहाँ पे जिससे आपकी सबमिट होती है, अप्रूव होती है, यहाँ पे आपको ग्रीन टिक दिख जाएगा। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बेसिक डिटेल सबमिट करनी है, फिर जाएंगे फिर से बुक शेल्फ के अंदर। बुक शेल्फ में जाने के बाद आपको यहाँ पे बुक क्रिएट करनी पड़ेगी, और मैंने यहाँ पे कुछ फाइल्स को सबमिट किया हुआ है, मतलब अपलोड किया हुआ है, जैसे कि डेली फिटनेस चीट, और ये मेरी बुक थी, इससे भी मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया था।
प्राइसिंग 7 डॉलर रखी है, 8 डॉलर रखी हुई है मैंने। इसी के साथ और भी बहुत सारी है, लेकिन अब मैंने क्रिएट कैसे की। क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्रिएट के ऊपर बन जाएगी, लेकिन अपलोड क्या करना है, अपलोड करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है BookBolt। BookBolt के लिए जाना है और यहाँ पे आने के बाद आपको आपका अकाउंट क्रिएट करना है। 3 दिन के लिए ट्रायल कंप्लीटली फ्री में है, उसके बाद पेड होगा। लेकिन आप सोचते हो कि पैसे क्यों खर्च करने, तो उसके लिए हमारे पास एक और है जिसका नाम है कैनवा। कैनवा के ऊपर जाके आपको यहाँ पे बुक की साइज मिल जाएगी, सर्च करना है बुक, और यहाँ पे आपको बुक कवर, बुक क्रिएट कवर, ऐसी काफी सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाने वाली है। आपको वर्टिकल करना है या फिर हॉरिजॉन्टल करना है, सब कुछ यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। किस साइज की बुक आपको प्रिंट करनी है वो भी साइज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, मैनुअल भी कर सकते हो और ऑटोमेटिक भी कर सकते हो। मेरा सजेशन ये होगा कि BookBolt के ऊपर 3 दिन का ट्रायल है। 3 दिन के ट्रायल के अंदर आप चाहे तो 50 बुक भी क्रिएट कर सकते हैं, 50 डिजाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। फायदा ये है कि 3 क्लिक के अंदर आपकी 5 मिनट के अंदर आपकी बुक ही क्रिएट करके दे देता है कंप्लीटली ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे जाने के लिए आपको स्टार्ट योर फ्री ट्रायल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद आपको सारी डिटेल जो है सबमिट करनी पड़ेगी। सबमिट करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, आपको ट्यूटोरियल्स वगैरह मिल जाएंगे। सेलर मतलब कि कौन कौन से लोग अपनी बुक को सेल कर रहे हैं, कौन सी बुक ट्रेंडिंग पे है, हर एक चीज आपको डिटेल में दिख जाएगी। अभी हमको यहाँ पे हमें बुक क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे रिसर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके हमें क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। BookBolt स्टूडियो है और यहाँ पे है बोल्ट मास कवर कन्वर्टर, ये दोनों ऑप्शन है यहाँ पे। लेकिन अगर आपको सब कुछ फ्री में करना है तो आपको आना है कैनवा के ऊपर, यहाँ पे आपको लिखना है बुक और बुक के ऊपर जाएंगे हम बुक कवर के अंदर। जैसे बुक कवर के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको काफी सारे टेम्पलेट्स दिख जाने वाले हैं। आपको जो भी टेम्पलेट पसंद आ रहा है, जिस तरह की डिजाइन आपको पसंद आ रही है, उस डिजाइन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाली जो कवर बुक है इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे कस्टमाइज इस टेम्पलेट को क्लिक करेंगे। इसके अलावा भी कुछ और भी टेम्पलेट अगर आपको पसंद आ रहा है तो उसे आप चूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कस्टमाइज इस टेम्पलेट के ऊपर। यहाँ पे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे करना है, इस बुक को अच्छे से कस्टमाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया था, जैसे कि डेली प्लानर बुक, अब हम चाहें तो इसे यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि इसे हम रीड कर देंगे, यहाँ पे इसे प्लेस कर देंगे। अगर आपको इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो आप कलर वगैरह भी इसका जो भी चेंज करना चाहें वो आपके अकॉर्डिंग इसे चेंज कर सकते हैं। कुछ और भी कस्टमाइज करना चाहें तो इसे और भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि अपने हिसाब से आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अब जो इसकी साइज़ है, आपको इसी साइज़ के अंदर और भी पेजेस को क्रिएट करने हैं। पेजेस को क्रिएट करके आपको यहाँ पे स्क्रैप बुक क्रिएट करनी है। स्क्रैप बुक क्रिएट करने के लिए आपको जो भी यहाँ पे जो डिटेल्स दिख रही है इस तरह की बुक क्रिएट करनी है। अब इसमें क्या बहुत ही आपका टाइम वेस्ट होता है। अब BookBolt के थ्रू इसे सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप में कर सकते हैं, लेकिन चक्कर यहाँ पे क्या है, आपको बहुत सारे यूट्यूबर इसे सर्च करते हैं, पैसा बहुत लग जाता है। अब इसमें जैसे कि आप जाएंगे प्राइसिंग के अंदर, तो प्राइसिंग में आपको पैसा जो मिल रहा है वो आपको $9.99 मंथली और GST ऐड करने के बाद आपको ये पड़ेगा ₹1,000 के आसपास, मतलब कि ₹900 के आसपास आपको ये पड़ने वाला है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ देता हूँ और उसके अंदर आपको 10,000 ऐसे बुक्स जो हैं वो फ्री में मिलने वाली है, ऐसे टेम्पलेट जो है फ्री में मिलने वाले हैं। जैसे कि आपको दो तरह के फाइल्स मिलेंगे, एक है एडल्ट के लिए जैसे कि हो गया फिटनेस बुक, हो गया डेली प्लानर, हो गया वो सब, और एक होता है किड्स के लिए जहाँ पे कि आपको ड्राइंग बुक 1, 2, 3, 4 टाइप की बुक, एनिमल्स वगैरह के बुक जिसमें ड्राइंग वगैरह ऐड करनी है, तो इस तरह की बुक्स आपको मिलने वाली है। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं किड्स के लिए जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है KDP के अंदर, तो यहाँ पे और भी ऑप्शन है जैसे कि कार व्हीकल्स के लिए है, डिज्नी कलर्स के लिए है, कलरिंग पेजेस फॉर किड्स जैसे कि पेंसिल के अंदर कलर भरना या फिर बकेट के अंदर कलर भरना, इस तरह कुछ आते हैं ना पेंटिंग आर्ट, वो सब उसके अंदर होंगे। इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इसे आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम जाते हैं यहाँ पे कलरिंग पेज के अंदर, इसके अंदर भी आपके पास काफ़ी सारे और ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि एनिमल के अंदर चाहिए, अल्फ़ाबेट के अंदर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे अल्फ़ाबेट को सेलेक्ट करते हैं। अल्फाबेट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे और भी फाइल्स आपको दिख जाएंगी, जैसे कि एक PDF फाइल है, जैसे कि यहाँ पे एक PDF फाइल है, इस तरह की PDF फाइल जैसे कि आपको दिख रही है। अब इसे मैंने अभी डाउनलोड नहीं किया है, लेकिन इसके अंदर और भी जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो आपको दिखने वाले हैं। अब जाएंगे एनिमल्स के अंदर, तो एनिमल्स की काफी सारी फाइल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे इसका एक प्रीव्यू आ रहा है, लेकिन इसे आप डाउनलोड करेंगे तो पूरी की पूरी बुक यहाँ पे आपको खुलने वाली है। तो इस तरीके से आपके पास काफी सारी चीजें हैं और यहाँ पे ऐसी कितनी चीजें हैं आप खुद काउंट कर सकते हो। 14,500 यहाँ पे आपके पास बुक्स पड़ी हुई है, PDF फाइल्स पड़ी हुई है जिसे कि आप कलेक्ट कर सकते हो। और उससे क्या करना है, जैसे कि आपने डाउनलोड किया, डाउनलोड करके क्या करना है, जो बुक आपने यहाँ पे बना के रखी हुई है जैसे कि कैनवा के अंदर हमने क्रिएट की थी, तो यहाँ पे जैसे हमने कस्टमाइज किया, कस्टमाइज करने के बाद जो भी यहाँ पे है आपको 1, 2, 3, 4 पेजेस के अंदर से प्लेस करता रहना है। इस तरीके से आपको 50 या फिर 100 पेजेस की क्रिएट करनी है। क्रिएट करने के बाद आपको वापस आना पड़ेगा यहाँ पे अमेजन किंडल के अंदर। यहाँ पे आने के बाद आपको क्लिक करना है क्रिएट के ऊपर। अब जब यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको उसका टाइटल ऐड करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेपरबैक, मेक योर टाइटल अवेलेबल इन प्रिंट एंड शिप अराउंड द वर्ल्ड, मतलब कि इसे प्रिंट करेंगे और इसे कस्टमर तक शिप भी कर देंगे। अब इसमें अगर आपको हार्ड कवर चाहिए, जैसे कि ये जो दिख रही है आपको हार्ड कवर दिख रहा है, और एक होती है जिसमें कि आपको हार्ड कवर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इस तरह कवर जो होता है मेन पेज जो होता है, जो कि बच्चों की होती है, इसमें से हल्का सा पेपर आता है,
ये होता है सॉफ्ट पेपर। अगर आपको स्पेशल हार्ड कवर की करवानी है तो हार्ड कवर के लिए आपको हार्ड कवर यहाँ पे चूज करना पड़ेगा, और अगर आपको सिर्फ उसे ई बुक करवाना है तो यहाँ पे ई बुक आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पेपर बैग सॉफ्ट वाला होगा, इसके अंदर प्राइसिंग कम होती है, इसके अंदर डिमांड इसकी ज्यादा होती है मार्केट के अंदर। हार्ड कवर कब काम आता है, जब आप डेली प्लानर या फिर कुछ नोटबुक वगैरह कर रहे हो जो कि एडल्ट्स वगैरह काम आती है, उसके लिए आपको हार्ड बुक सेलेक्ट करना है। बच्चों के लिए आपको यहाँ पे पेपर बैग के ऊपर आप कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको डिटेल सबमिट करनी है, जैसे कि बुक का टाइटल क्या है, सब टाइटल आपको ऐड करना हो तो कर सकते हो, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। उसके बाद एडिशन नंबर ऑप्शनल है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ऑथर का नाम, आपकी कंपनी का नाम या फिर आपका नाम आप सेलेक्ट कर सकते हो, डाल सकते हो इसके अंदर। डिस्क्रिप्शन आपको अच्छे से लिखना है ताकि वो अमेज़न के ऊपर रैंक हो पाए। एसईओ के हिसाब से लिखना है, कीवर्ड को यहाँ पे भर भर के ऐड करना पड़ेगा। पब्लिशिंग राइट्स किसके हैं, यहाँ पे अगर आप खुद क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पे आई ऑन द कॉपीराइट के ऊपर क्लिक कर देना है। प्राइमरी ऑडियंस कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। एज वगैरह क्या है, मिनिमम मैक्सिमम वो आपको ऐड करना है। कहाँ कहाँ पे इसे लिस्ट करना है, अगर आप amazon.com पे करते हो तो जितने भी प्लेटफॉर्म इसके ऑन भी है, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, सब जगह ये आपका शो हो जाएगा अगर आप amazon.com करते हो। अगर आप किसी पर्टिकुलर डोमेन को सेलेक्ट करते हो तो वो आपके एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर ही शो होगा, इसलिए आपको amazon.com ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपके यहाँ पे लो कंटेंट बुक है तो आपको लो कंटेंट बुक में सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी आपको चूज कर लेनी है। कीवर्ड्स आपको यहाँ पे डालने हैं, ऑप्शनल है कीवर्ड्स, लेकिन कंपलसरी आपको ऐड करने ही करने हैं। इसका फायदा होगा आपको एसईओ के अंदर, मतलब कि आपकी जो बुक है वो रैंक करेगी amazon के अंदर, और वहां से आपकी अर्निंग होगी जितनी भी आपकी सेलिंग होगी। तो ये सब कुछ करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू को क्लिक करना है। वहां पे जाके आपको इसे कंटिन्यू करते हो वहां पे आपको प्राइसिंग वगैरह ऐड करनी है। प्राइसिंग ऐड करने के बाद डायरेक्टली पब्लिश का ऑप्शन आएगा, आपको उसे पब्लिश कर देना है। इतना सा प्रोसेस है। इस वीडियो के अंदर हम लिस्टिंग नहीं करेंगे, लिस्टिंग के लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको लिस्टिंग सही से नहीं आती और आपको लिस्टिंग सीखनी है, उसका हम नेक्स्ट वीडियो ले आएंगे। नीचे कमेंट कर देना कि हमको एक अमेजन किंडल के ऊपर कैसे लिस्टिंग करनी है, उसका वीडियो लेके आओ, तो हम लिस्टिंग का वीडियो ले आएंगे। और आपको बुक कैसे क्रिएट करनी है, जो ये फाइल्स हैं 14,500 पेजेस की फाइल है, ये जो फाइल्स है ये सारी जिप फाइल है, ये आपको दे दूंगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे क्लिक करने के बाद आप इसे लाइफ टाइम यूज कर सकते हो। इसका कॉपीराइट भी आपके पास है, इसके अंदर कोई कॉपीराइट इशू ही नहीं है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करें, इसे यूज करें, और आप चाहें इतनी ई बुक क्रिएट कर सकते हैं कैनवा के थ्रू। साइज आपको अभी समझ में आ गई है, यही साइज के ऊपर आपको काम करना है। पेजेस को यहाँ पे वन बाय वन ऐड करते रहना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप अगर फिटनेस के ऊपर फोकस करो तो फिटनेस के ऊपर क्रिएट करो, बच्चों की ड्राइंग के ऊपर करें तो उसके ऊपर फोकस करो, डेली प्लानर के अंदर फोकस करो, डेली प्लानर के ऊपर जाए। एक और चीज भी है, यहाँ पे हम जाएंगे टेम्पलेट के अंदर, मैंने यहाँ पे लिखा है डेली प्लानर बुक, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे और भी दिख गए ये डेली प्लानर के लिए, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे ये बुक दिख रही ना कोई स्टेप पे, वो उन्होंने इसी तरीके से बनाई है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है डेली शेड्यूल के अंदर, यहाँ पे आपको आना है कस्टमाइज दिस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको इस तरह की बुक क्रिएट करनी है तो इसकी और भी पेजेस आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, ये आपका सिंगल पेज है, इसे आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा। कस्टमाइज करने के लिए करना है आपको यहाँ पे, आपको यहाँ पे डेली शेड्यूल प्लानर के अंदर आपको साल, आपको डेट डाल देनी है, मतलब कि 1 जनवरी 2023, 2 जनवरी, 3 जनवरी, इसे आप कस्टमाइज कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ पे हर मंथली क्रिएट कर सकते हो, आप देख सकते हैं टाइमिंग भी है, टू डू लिस्ट भी है, नोट्स एंड रिमाइंडर भी है, टॉप प्रायोरिटी भी है, डेट वगैरह भी है। अगर आप उसे डेट ऐड नहीं करनी तो आप डेट ऐड मत करना, सिर्फ इससे आप डुप्लीकेट क्लिक करते रहोगे ना, तो यहाँ पे आपकी जितनी भी फाइल्स है, जितनी भी डेट है, वो बंदा जो है वो अपने हिसाब से यहाँ पे डेट ऊपर डाल देगा, और उसके बाद आप इसे यहाँ पे इसका कवर फोटो, ये जो हमने बनाया कवर फोटो, इसके साथ इसे आप ऐड कर देंगे। कॉपी किया हमने यहाँ से, ऐड पेज के ऊपर क्लिक किया, ये बन गया हमारा कवर फोटो, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कुछ होने पर इसे अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपका कवर फोटो हो गया, जाएंगे नीचे तो यहाँ पे आपकी और फाइल्स वगैरह आ गई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस क्या करना है आपको, और भी फाइल्स वगैरह चाहिए तो आपको मैं 14,500 फाइल दे रहा हूँ, जिसके अंदर आपको एक बार लेने के बाद सिर्फ एक बार लेना है और लाइफ टाइम इसे यूज कर सकते हो। तो अमेजन के लिए भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है यहाँ से अर्निंग करने का, डॉलर्स के अंदर अर्निंग होगी। इंडिया को आपको फोकस नहीं करना है, फोकस आपका होगा अदर कंट्री, जैसे कि US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारी कंट्रीज है, नाम कुछ कर देता है, लेकिन आप वहाँ पे जाके अर्निंग कर सकते हैं। आज का वीडियो अमेजन KDP का सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट मैंने कुछ टाइम पहले बनाया था, काफी लोगों के कमेंट आए, काफी डिमांड आई, उसके बाद हम लेके आए अमेजन KDP पार्ट 2। अगर आपको लिस्टिंग कैसे करनी है, यहाँ पे सब कुछ जानना है कि हम कैसे यहाँ पे लिस्टिंग करें, इसका एक वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करना, पार्ट 3 भी आ जाएगा, उसमें काफ़ी डिटेल में बताऊंगा। SEO कैसे होता है, आपकी बुक यहाँ पे ऊपर शो कैसे होगी, रैंक कैसे होगी, कीवर्ड कैसे डालने हैं, कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, सब कुछ बताऊंगा आपको इसके अंदर। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपको जानना है कि आप जोक्स को सेल करके कैसे अर्निंग कर सकते हैं AI की मदद से, तो वो वीडियो आपको यहाँ दिख रहा होगा, आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। या फिर आपको जानना है कि आप किस तरह से आपका कोर्स क्रिएट करके फ्री में सेल कर सकते हैं, तो वो वीडियो आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसमें मैंने आपको 5 अलग अलग प्लेटफॉर्म बता के रखे हैं। तो चलिए आज की वीडियो में तो इतना ही था, जल्दी मिलते हैं किसी नए ऑनलाइन अर्निंग या फिर ऑनलाइन बिजनेस के आइडियाज के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।